आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16। अब फर्स्ट 14.1 एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो चार टर्म्स होती थी और हम उनकी ग्रुपिंग कर लिया करते थे, दो और दो, उसमें से कॉमन लिया और खत्म। यहाँ पर जो है वो हमारे पास चार टर्म नहीं है तो ग्रुपिंग तो कर नहीं सकते। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी जो यूज हो सकती हो, ठीक है। अब कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो सकती है, ये है ए का स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये मैं बी का स्क्वायर मान लूं, बी का स्क्वायर का मतलब एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको देखें, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को, तो यहां पर ए का स्क्वायर, यहां ए का स्क्वायर है, यहां पर बी का स्क्वायर, ये 16 है। अगर हम 16 को बी मान लें तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 4, यानी कि ए की वैल्यू हो गई ए, क्योंकि ए का स्क्वायर है। बी की वैल्यू हो गई 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई यहां पर इस आइडेंटिटी से। अब अगर इस आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस और फिर यहां पर ये वाला प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और प्लस 2ab की जगह यहां पर 2 और a की जगह a और b की जगह 4। सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 इंटू ए 8a और प्लस 16, यही वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा वापस लौट कर आ जाता है। इसका मतलब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की वैल्यू हमें a मिल गई और b की वैल्यू हमें 4 मिल गई और हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a प्लस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, जो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, और वही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। तो ये तो हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट, यही वाली यहां पर शुरू करेंगे। यहां पर p स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर 25 दिया हुआ है, तो ये p का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू हो गई p और b की वैल्यू हो गई 5, हमें दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और a प्लस बी नहीं लगेगा यहां पर, यहां पर बीच में अगर माइनस है तो यहां पर a माइनस बी लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं a की वैल्यू p पुट अप कर दूं यहां पर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर 2 आ गया, a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10p और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, यही आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी हमारी यहां पर सूट कर रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है p, तो लिख देंगे p a माइनस बी की जगह, और b की वैल्यू क्या है 5, तो लिख देंगे p माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर जो है वो सेकेंड पार्ट का आंसर है, a प्लस 4 का होल स्क्वायर जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारा 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ठीक है। अब यहां पर ये देखेंगे कि 25m स्क्वायर और 9, इन दोनों पर नजर रखनी है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और m तो 5m का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 25m स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 5m किसकी वैल्यू निकल कर आई, a की, और 3 किसकी वैल्यू निकल कर आई, बी की, बीच में क्या है दोनों के, प्लस, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी काम करेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस
2ab + b². अब ए स्क्वायर की जगह मैं 5m का स्क्वायर रखूं तो वो हो जाएगा 25m² प्लस 2 के साथ अगर मैं 5m रखूं और b की जगह पर 3 रखूं, ठीक है, और प्लस करके मैं यहां पर 3 का स्क्वायर रखूं तो ये आ जाएगा 25m² प्लस 2 5 जा 10, 3 जा 30m और प्लस 9। ये जो एक्सप्रेशन है यही मेरा क्वेश्चन है। तो जब ये एक्सप्रेशन इस वाली आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुटअप करके आ रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 5m प्लस बी की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें यहां पर ये चीज देखनी है। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या है, ये क्या है, 49y² 49 7 का स्क्वायर होता है, वाई का होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा 49y². 36z² 36 6 का स्क्वायर होता है और z का स्क्वायर, 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा 36z². ठीक है, अब ये हो गई हमारी a की वैल्यू, मान लेते हैं ये मान लेते हैं b की वैल्यू, बीच में दोनों में प्लस है तो फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर a की वैल्यू रखूं 7y तो ये हो जाएगा 7y का स्क्वायर 49y², साथ में 2 रख दूं और यहां पर 7y रख दूं और यहां पर 6z रख दूं और यहां पर प्लस जो है वो 6z का स्क्वायर रख दूं, वैल्यूज पुट अप करके ये जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है, तो ये हो जाएगा 49y² प्लस 2 7 जा 14, 14 6 जा 84yz और प्लस 6 6 जा 36z का स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन है, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z², तो किससे आ रहा है ये लौट के यहां पर, a प्लस बी होल स्क्वायर से, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 7y, b की वैल्यू क्या है प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये करके बता रहा हूं, आपको केवल आंसर लिखना है, आइडेंटिटी वहां पर आपको शो करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगाकर इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है हमारा 4x² - 8x + 4। अब यहां पर लिखेंगे, देखेंगे कि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और साथ में x ले लेंगे तो 2x का होल स्क्वायर 4x² हो जाएगा, ये वाला 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई, यहां पर एक में माइनस है एक में प्लस है, इसका मतलब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर, वो होती है a² - 2ab और प्लस का b² ए स्क्वायर में ए की वैल्यू 2x रख दूं तो 2x का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x² माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8x और प्लस 2 2 जा 4, और यही हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है, साथ में माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा 2x यानी कि 4x² और माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हमारा फिफ्थ पार्ट पूरा होता है। अब सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ में क्या है 121b² 121 11 का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर, 11b का स्क्वायर ये हो गया, 16c² 16 4 का स्क्वायर होता है साथ में c का स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, यहां पर फिर माइनस है तो यहां पर आइडेंटिटी लगती है a माइनस b का होल स्क्वायर, वो होती है a² - 2ab और प्लस b², a की वैल्यू रखूं 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 के साथ 11b रखूं और b की जगह 4c रखूं, ठीक है, और प्लस जो है वो 4c का स्क्वायर रख दूं तो ये हो जाएगा 121b² माइनस 11 2 जा 22 22 4 जा 88 bc और प्लस 16c का स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रूफ भी हो गया कि ये वाली आइडेंटिटी हम बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है 11b यहां लिख देंगे और माइनस c की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है 4c यहां लिख देंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा सिक्स पार्ट पूरा होता है। सेवेंथ पार्ट है हमारा एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहां पर एल प्लस एम का होल स्क्वायर को अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लें तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, यानी कि इसे अगर हम एक्सपेंड कर लें पहले तो क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर
प्लस टू एल और एम और प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इसे एक्सपेंड करके, और साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा माइनस का 4l और m, ठीक है। अब ये हो गया एल स्क्वायर, ये प्लस का 2lm और माइनस का 2lm, आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2l और m आ जाएगा, और प्लस का m स्क्वायर आ जाएगा। जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा और एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि l का तो हो गया ये स्क्वायर और m का हो गया ये स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू, बीच में दिया हुआ माइनस, यानी कि आइडेंटिटी काम करती है a माइनस b का होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह एल रखूं तो एल का स्क्वायर माइनस 2, यहां पर एल और यहां पर एम, और प्लस एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, और यही जो है वो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कौन सी काम करेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ए की जगह पे एल और बी की जगह पे एम, यानी कि एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको पहले हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करके एल एम को एल एम से माइनस करना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेशन नया बनाकर उसमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं एट्थ पे, ए की पावर 4 प्लस 2ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब अगर ए स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वो हो जाएगा ए की पावर 4, बी स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वो हो जाएगा बी की पावर 4। ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू, ठीक है। अब आइडेंटिटी कौन सी बीच में प्लस प्लस है, तो लगती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर अगर मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस 2, ए की जगह पर ए स्क्वायर रखूं तो ए स्क्वायर, बी की जगह पर बी स्क्वायर रखूं तो बी स्क्वायर, और प्लस अगर बी के स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो बी की पावर 4। तो यही मेरा क्वेश्चन है, ए की पावर 4 प्लस 2ए स्क्वायर प्लस 2ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4। आइडेंटिटी कौन सी काम कर गई, आइडेंटिटी कर गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आंसर। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।